अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हम बफलो सिटी में आए हैं, दिस इज साउथ बफलो। दरख्तों की वजह से नज़र कुछ नहीं आ रहा भाई। इसलिए बफलो बनी है, क्या वजह? अब इसे बफलो सिटी क्यों कहते हैं ये नहीं पता, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका नाम बफलो क्यों पड़ा, क्योंकि इस ज़माने में बफलोज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती होगी, बफलोज के साइन तो बड़े होंगे। क्योंकि यहाँ पे नाश्ता करेंगे यहाँ से और फिर इंशाल्लाह ताला न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे यहाँ से अलग बम से, और देखते देखते हम न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे शाम तक इंशाल्लाह, और उससे पहले भी हम कोशिश तो हमारी है कि हमें न्यूयॉर्क में रेस्ट ना मिले। लेट्स सी क्या होता है। कैरोलिना स्ट्रीट है, चले सर ग्रीन हो गया सर। अच्छा ये भाई माइगा स्ट्रीट है, ये साइकिल वालों के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ से हम इनके सामने बार्बर की दुकान है, उसने ब्लेड बना के उसका लिखा हुआ है माइटी फाइन फैशन। ये चचा के बैठे हुए हैं, नाइयों की दुकान, नाइयों ने अपने ब्लेड बनाए हुए हैं, ब्लेडों के अंदर ही नाम लिखे हुए दुकानों के। यहाँ पर एक ट्रेंड है, चल रही नहीं चल रही ये नहीं पता, ये कोई इनका यहूदियों का जूस का, ये जूस भी बड़े यहूदियों ने सारा ये चर्च आ गए यहाँ पर खुशी करना ही काली। ये सर बर्फ सीढ़ी सारी देख ली हमने, ऑलमोस्ट देख ही लिया, और इसमें क्या देखने वाला है? इधरों भी आंदा या कैंडा? अच्छा ओली, हाँ जी, पीस ब्रिज कैंडा उधरों रास्ता था, हम जा रहे हैं। मैं जी पीस ब्रिज कैंडा कर रही है, रास्ता जाता है यहाँ से कैंडा, हम छोड़ा है अब दोबारा इंशाल्लाह ताला कैलगरी वाली साइड में। और कौन सा सिटी भाई कैलगरी के अलावा? वैनकूवर। वैनकूवर सुना है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे अच्छा वो है, क्या बोलते हैं उसको, एनवायरनमेंट है वो सारा, वो है बना हुआ उसमें, वो ठीक सिटी है भी बड़े ठीक है। इस रोड से हम आए थे, ये ऊपर नजर आ रहा है, ये वाला रोड, ये ब्रिज से आए थे, उसके नीचे से होकर हम जाएंगे साइड में, तो लेकर नेक्स्ट फ्लॉग में मिलते हैं। चलो ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।